Hey guys, welcome back to the new video. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 10 things जो कि ऐश के फादर रिलेटेड है एंड तुम्हें नहीं पता होगी. कस ऐश के फादर के बारे में कुछ भी चीज़ें एनिमे के अंदर रिवील नहीं हुई है. ये सारी चीज़ें एक मांगा के अंदर रिवील हुई है जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे शेयर करने वाला कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे मिली है. ताकेशी शुडो जो कि क्रिएटर है पोकेमोन एनिमे के, उन्होंने दो बुक पब्लिश की थी 1997 में 1999 में, जिनका टाइटल था पॉकेट मॉन्स्टर द एनिमेशन वॉल्यूम 1 एंड 2, जिसमें उन्होंने कुछ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज को रिवील किया था पोकेमोन सीरीज के अंदर. और उसमें से एक चैप्टर है जहाँ पे ऐश जो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है एंड उनके बीच के कन्वर्सेशन के अंदर ही काफ़ी सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ऐश के फादर रिलेटेड. तो चलो यार मैंने किस तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने तो बताया कि एक चैप्टर है जहाँ पे ऐश फाइनली 10 साल का हो चुका है एंड अगले दिन उसको पोकेमोन ट्रेनर बनने जाना है. ठीक है, तो उस रात मतलब उसको नींद नहीं आ रही होती है एंड वो अपनी मम्मी से बोलता है कि आई कांट स्लीप, मैं नहीं सो सकता. तो इसी गुस्से में आके उसकी मम्मी ने उसको तकिया फेंक के मारा होता है, जैसे कि उस मांगा के अंदर बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूँ, सातोशी यहाँ पे मतलब ऐश है और हनाको मतलब डीलिया कैचम. ठीक है, जापनीज में उनका नाम अलग है तो समझ जाना अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो. ओके, तो वहाँ पे हनाको यानी कि डीला कैचम ऐसा कहती है कि हाँ तुम फाइनली 10 साल के हो चुके हैं, अगले दिन तुम्हें पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए इस टाउन को छोड़ के जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर डैड एंड ग्रैंड पेरेंट्स. यहाँ पर डीला कैचम ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब ऐश कैचम ने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया कि आखिरकार मेरे डैड कौन थे एंड ग्रैंड पा से रिलेटेड. अब देखो यहाँ पे सातोशी की 5 साल पुरानी मेमोरी उसके दिमाग में याद आती है कि वो दिन था जब ऐश कैचम फाइनली 5 साल का हुआ था एंड उसको उसका पीसी मिला था एज अ फर्स्ट टाइम बर्थडे गिफ्ट. हाँ सर, 5 साल के बच्चे को पीसी मिल रहा है. तो उस रात उसकी मॉम उससे कहती है कि हाँ मेरे बेटे मतलब योर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पोकेमोन ट्रेनर थे एंड वो क्वेश्चन पूछती है आरेंट दे, जहाँ पे सातोशी ऐसा मानते हैं कि हाँ ऐसा है कि उसके जो फादर है एंड उसके जो ग्रैंड पा है वो काफ़ी अच्छे पोकेमोन ट्रेनर है. ऐश के अपनी मॉम से पूछता है कि मुझे बताओ कि किस टाइप के लोग थे मेरे पापा एंड मेरे दादाजी. तो जहाँ पे हनाको यानी कि डीला कैचम ऐसे कुछ आंसर में कहती है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड तुम्हारे जो पापा थे वो दोनों बहुत ज़्यादा सरियल ट्रेनर थे. सरियल, ठीक है, सरियल मत समझना. तो यहाँ पे मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने लिटरली ओकिडो मसारा को भी सरपास कर दिया था. आई डोंट नो ओकिडो मसारा कौन है एंड अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी जापनीज पोकेमोन ट्रेनर का इंग्लिश नेम नहीं है. सो पॉसिबली सियोरियलिस्टिक मतलब ये ऐश के लिए एक नया वर्ड था एंड वो भी इसका मतलब नहीं जानता था, इवन मैं भी नहीं जानता था. तो इस दिन एक्चुअली क्या हुआ ना कि ऐश को ऐसा लगने लगा कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पोकेमोन ट्रेनर थे, सुपर रियलिस्टिक उसको इसका मतलब ये लगा. जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी हो गई थी तब उसकी मॉम ने उसको समझाया कि नहीं नहीं जो तुम सोच रहे हो ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसको सुन के सातोशी का मुँह खुला का खुला रह गया था. सियोरियलिस्टिक मतलब होता है सुपर रियलिस्टिक, मतलब इतना रियलिस्टिक जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता. इट मीन्स नॉनसेंस. ओके, मतलब तो उसके फादर जो थे एंड उसके जो ग्रैंडपा थे बहुत ज़्यादा नॉनसेंस पोकेमोन ट्रेनर थे. तब उसकी मम्मी उसे ये कहती है कि जब तुमने अपना पीसी चलाना चालू किया देन तुमने काफ़ी सारे नेट से काफ़ी सारे डिफरेंट वेबसाइट विजिट की होगी, जहाँ पे सातोशी यस कहता है. और उसके बाद वो मतलब पोकेमोन रिलेटेड वेब पेजेस के बारे में बताता है. तो उसी में वो कहती है कि तुम अपने फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी उसके अंदर जानने मिलेगा, तो क्या तुमने इसके बारे में सर्च किया? तो वो कहता है नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मिला. तो डीला कैचम कहती है वो इसलिए क्योंकि जो भी मैंने तुम्हें आज तक बताया था वो सब कुछ गलत था. देखो यार, ये गलत नहीं था कि उसके जो फादर थे एंड उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहते थे, ये गलत नहीं था. बट एक चीज़ गलत था, ऐश कैचम को ऐसा लगता था कि उसके जो फादर एंड उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो फुल फ्लेस्ड ऑफिशियल ट्रेनर थे. बट क्या वो सही में ऑफिशियल ट्रेनर थे, ये अब रिवील होने वाला है, तो ध्यान से सुनो. ठीक है, तो डीला कैचम बताती है कि जाओ WWW जो भी उनकी वेबसाइट थी वहाँ पे जाओ एंड पोकेमोन ट्रेनर एसोसिएशन जो होती है जहाँ पे बिलियंस ऑफ पोकेमोन ट्रेनर होते हैं जो कि ऑफिशियल ट्रेनर्स होते हैं, उनकी लिस्ट निकाली जाती है. तो मेंबरशिप लिस्ट में मतलब तुमने कहीं भी अपने फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं देखा होगा, बट अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सर्च कर सकते हो. जहाँ पे ऐश कैचम सर्च करता है एंड ऑफकोर्स बिलियन ऑफिशियल ट्रेनर्स होते हैं, बट उसके अंदर कहीं भी उसको अपने फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ भी जानने नहीं मिलता. तब डीला कैचम कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स एंड डैड के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, क्योंकि 10,000 बेस्ट ट्रेनर्स वो होते हैं जो कि मैगजीन में आते हैं, जो कि पोकेमोन लीग के अंदर पार्ट लेते हैं एंड 10,000 बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं, वही उस लिस्ट के अंदर आते हैं. दो ऐसे काफ़ी सारे ग्रेट ट्रेनर जो कि उस लिस्ट के अंदर नहीं आते, बट इसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट ट्रेनर्स होते हैं.
टीले कैचम ये भी बताती है द ग्रेट ट्रेनर जो कि पोकेमॉन मास्टर होते हैं वो कभी भी पोकेमॉन लीग के अंदर पार्ट नहीं लेते ग्रेट ट्रेनर बनने के लिए, उनका कुछ अलग ही प्रोसीजर होता है। एंड यहाँ से ये चीज़ समझ आता है कि ऐश के फादर और ऐश जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ रिवील होता है कि जब ऐश कैचम क्वेश्चन पूछना चालू करता है तब डीले कैचम ये बताती है कि तुम्हारे जो पापा थे एंड ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ऑथराइज ट्रेनर नहीं थे, इन अदर वर्ड्स दे डोंट बिकम ऑफिशियल ट्रेनर येट, मतलब उनको उसका स्टार्टर पोकेमॉन प्रोफेसर ओक से नहीं मिला होगा, यानी कि उनके स्टार्टर पोकेमॉन मे बी चार्मेंडर स्क्वॉट एंड बल्बसॉर नहीं होगा। ये चीज़ तो रिवील हो गया, ओके। एंड ये भी रिवील हो गया कि वो एक ऑफिशियल ट्रेनर नहीं थे, मतलब उनके पास मोस्ट प्रोबेबली कोई पोकेडेक्स नहीं होगा एंड इसी कारण वो पोकेमॉन लीग के अंदर कभी पार्ट नहीं ले पाए। एंड यहाँ पे ऐश कैचम पूछता है कि वो अपने अब क्या कर रहे हैं, मतलब उसके डैड और ग्रैंड पेरेंट्स जो कि सातोशी पूछता है, तो हनाको अपने शोल्डर्स पे ऐसे मतलब प्यार से सहलाती है उसको ऐश कैचम को और बोलती है आई डोंट नो। हनाको कहती है कि इवन अगर वो पोकेमॉन ट्रेनर बन भी गए हो एंड अभी भी वो देख रहे हो बनने के लिए, बट स्टिल वो कभी भी पोकेमॉन मास्टर एंड पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सो अगर तुम लोग का ख्वाब कुछ ऐसा है कि ऐश के डैड पोकेमॉन मास्टर है देन भूल जाओ, नहीं है, ऑफिशियल ट्रेनर नहीं है ऐश के डैड, ओके। 5 साल के बच्चे सातोशी के लिए ये सब कुछ एक रियल स्टोरी जैसा कतई नहीं लग रहा था उसको, मतलब एकदम सिनेमैटिक वाली फील आ रही थी। वेदर उसके फादर और ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेट ट्रेनर हो या ना हो, ये ऐश का दिमाग को नहीं चेंज करने वाले थे। ऐश का हमेशा से मोटिव था पोकेमॉन ट्रेनर बनने का जो कि वो बनता है, और उसको इससे फर्क नहीं पड़ा कि उसके फादर कौन थे और उसके ग्रैंड फादर कौन थे। उसकी मोम मतलब ऐसे मन में मरमर्ड करती है, यानी कि होता है ना थोड़ा बहुत हम लोग फुसला के बोलते हैं जो दूसरा ना सुन पाए, जहाँ पे डीले कैचम ये कहती कि सातोशी के डैड और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो स्टिल जर्नी में है एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए, हाउएवर वो कभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाएंगे, इवन वो पोकेमॉन ट्रेनर भी नहीं है ऑफिशियल, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ और बनना चाहते थे। अब मुझे नहीं पता वो कुछ और का क्या मतलब है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ताकेशी शुडो की डेथ हो गई थी तो शायद से इसका नेक्स्ट वॉल्यूम कभी नहीं आया था, बट अगर शायद से आया होता देन हम लोग को और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने मिलती ऐश के फादर के रिलेटेड। बट आफ्टर ऑल जैसे ही ऐश कैचम 10 साल का होता है एंड अब उसके लिए नेचुरल था क्योंकि ऐश कैचम ने ये सुन लिया था तब उसकी मॉम हल्के हल्के बोल रही थी, और अब उसको बनना था पोकेमॉन ट्रेनर, एक ऐसा पोकेमॉन मास्टर जो कि सबको सरपास कर सके जो कि अब एनीमे चल रहा है एंड तुम लोग जानते ही होंगे। सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, यही सब कुछ डिटेल्स तो कि मैं जान पाया लाइक वो ऑफिशियल ट्रेनर थे कि नहीं थे, वो पोकेमॉन मास्टर ट्रेनर क्यों बनना चाहते थे, वो बल्बसॉर था उनका स्टार्टर या कौन था, वैसे तो कोई भी नहीं था, एंड ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि तुम्हें आज के वीडियो के अंदर जानने मिलेगी। आई होप तुम्हें आज की वीडियो में मजा आया होगा। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जापनीज के अंदर थी एंड एक ऑफलाइन बुक के अंदर, ठीक है, मैंने कोई भी ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, एक बुक खरीदी थी उसके अंदर ये सब डिटेल थी, तो या ट्रांसलेट करने में बैंड बज गई। तो या मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आज का पोके कुछ तुम्हारे सामने एंड पोके कुछ विलर्स भी एंड इस चैनल पर ऐसी कुछ कमाल की वीडियोस है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।